अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों आज ये तीन फ़ोन्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से एक है रेडमी नोट 9 प्रो, दूसरा रियलमी 6 और तीसरा है ओप्पो F15। इन तीनों फ़ोन्स का हम बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करेंगे, 3 घंटे तक का बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किस फ़ोन की बैटरी हमें किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। मैं यहाँ पे जो ड्रेनिंग टेस्ट है वो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि रेडमी नोट 9 प्रो जो है इसमें हमें 5020 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 30 वाट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G का चिपसेट मिलता है, जो कि 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। उसके बाद रियलमी 6 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 30 वाट पर आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मीडियाटेक हीलियो G90T का चिपसेट मिलता है, जिसको जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। इस तरह अगर हम बात करते हैं ओप्पो F15 की दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 4025 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको आप 20 वाट पर फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें मीडियाटेक हीलियो P70 का चिपसेट मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। दोस्तों ये तीनों फोन्स हमारे पास हैं आज। दोस्तों आगाज़ करते हैं आज के टेस्ट का, और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास Redmi Note 9 Pro 100% इसकी बैटरी चार्ज है, और PUBG को मैं प्ले कर देता हूँ। शुरू के एक घंटा हम यहाँ पे PUBG प्ले करेंगे, उसके बाद का जो एक घंटा होगा उसमें हम एक वीडियो जो है चला के देखेंगे यहाँ पे, और एंड में हम इन तीनों फ़ोन्स में हम जो कैमरा है उसको ऑन करेंगे विद फ्लैश लाइट, और फाइनली देखेंगे हर एक घंटे बाद के कितनी बैटरी ड्रेन जो है हमें यहाँ पर मिलती है। जी दोस्तों हमारे पास एक घंटा हमने यहाँ पे PUBG खेला है, और अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ तीनों फ़ोन्स को, और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कितनी बैटरी रह गई है। तो Redmi Note 9 Pro में हमने एक घंटा PUBG खेला और 84% बैटरी रह गई है। इसी तरह Realme 6 में जो है हमारे पास 83% बैटरी जो है वो रह गई है, और हमारे पास ओप्पो F15 में जो है 84% बैटरी वो रिमेनिंग रह गई है। अब दोस्तों हम एक एक घंटा यहाँ पे YouTube पे वीडियोस चलाएंगे। जो दोस्तों तीनों फ़ोन्स में हमारे पास YouTube वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और अब एक घंटे तक हम YouTube वीडियो प्ले करके देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि तीनों फ़ोन्स में हमारे पास कितनी बैटरी रिमेनिंग रह जाती है। जियो दोस्तों हमारे पास एक घंटा और गुजर चुका है, और ये जो YouTube वीडियो में प्ले की हुई थी इसको मैं रोक लेता हूँ, और एक घंटा की मज़ीद यानी दो एक घंटा हमने PUBG खेला, उसके बाद एक घंटा YouTube वीडियो जो है चलाई। तो इस वक्त Redmi Note 9 Pro की जो बैटरी है वो 77% है, और इसी तरह Realme 6 की जो बैटरी है दोस्तों वो 74% है, और इसके साथ ओप्पो F15 की जो बैटरी है दोस्तों वो है 79%। दोस्तों ये हमारे पास बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट चल रहा है,
और आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमने भी 2 घंटे जो है मुस्तकिल इस्तेमाल किए इन तीनों फ़ोन्स को, 100% से लेकर चलें इसको। अब हम फाइनली जो आखिरी लास्ट आ रहा है हमारा, इसमें हम वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे विथ फ्लैश लाइट और 1 घंटा तक वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। तीनों फ़ोन्स में हम देखेंगे कि तीनों फ़ोन्स की फाइनली हमारे पास कितनी बैटरी ड्रेन होती है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो 1 घंटा है वीडियो रिकॉर्डिंग का, वो भी कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त मैंने तमाम वीडियोस को रोक लिया। और जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने 3 घंटे का यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट किया इन तीनों फ़ोन्स में, जिसमें Redmi Note 9 Pro, Realme 6, Oppo F15 शामिल थे। पहले जो 1 घंटा था उसमें हमने पबजी प्ले किया, और उसके बाद जो सेकंड 1 घंटा था उसके अंदर हमने YouTube पे एक वीडियो जो है वो प्ले की, और जो तीसरा घंटा था उसमें हमने यहाँ पे इस कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग की फ्लैश को ऑन करके, फ्लैश लाइट को ऑन करके। तो इस वक्त जो हमारे पास रिजल्ट है दोस्तों, Redmi Note 9 Pro की जो बैटरी है वो 55% रिमेनिंग है। इसी तरह जो हमारे पास Realme 6 की बैटरी है दोस्तों, वो 52% रिमेनिंग है, और यहाँ पे जो हमारे पास Oppo F15 की जो बैटरी है वो 61% रिमेनिंग है। तो इस तरह की ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इन तीनों फ़ोन्स का सामने आया है। और इस वक्त हम अगर देखें बैटरी के हिसाब से, बैटरी ड्रेनिंग के हिसाब से, तो Oppo F15 की बैटरी जो है वो यहाँ पर कदर बेहतर परफॉर्म कर रही है। हमारे पास जो है कम बैटरी ड्रेन हुई है अगर इस 3 घंटे का जो बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट है उसका अगर हम कंपेयर करते हैं तो। हालांकि Oppo F15 का जो चिपसेट है वो P70 है, हेलियो P70, और वो 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है, और Redmi Note 9 Pro का जो चिपसेट है वो 8 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। इसके बावजूद भी Oppo F15 की परफॉर्मेंस हमें अच्छी नज़र आई है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों, ये था बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट, और ये जस्ट सिर्फ इस वजह से था कि अगर आप इन तीनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको पता हो कि यहाँ पे बैटरी ड्रेनिंग में किस फ़ोन की क्या परफॉर्मेंस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।